फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये बिल्कुल सही खबर है। भैया क्या हो रहा है, पोर्टल से आपका डेटा डिलीट हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको पोर्टल पर लेकर चलता हूँ। पोर्टल पर जब आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 सिलेक्ट करा और यहाँ पर देखोगे तो जुलाई और अगस्त का डेटा डिलीट हो चुका है। जुलाई और अगस्त की कोई डिटेल अगर आप देखना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन सितंबर से? नहीं भैया, मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन देखोगे तो इनका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2017 से है, लेकिन पोर्टल ने क्या करा है, पोर्टल ने जुलाई और अगस्त का डेटा डिलीट कर दिया है और अब पोर्टल सितंबर का भी डेटा डिलीट कर देगा, फिर अक्टूबर का भी डेटा डिलीट कर देगा। भैया ऐसा क्यों कर देगा? क्योंकि भैया पोर्टल हो चुका है ओवरबर्डन, पोर्टल के ऊपर बर्डन ज्यादा आ चुका है। तो इन्होंने एक एडवाइजरी निकाली है, एडवाइजरी 24 सितंबर 2024 को निकाली है और ये एडवाइजरी मुझे पढ़कर बताना सही है या गलत है। एडवाइजरी में इन्होंने क्या बोला है कि भैया हमारी एक पॉलिसी है कि हम कोई भी डेटा जो है 7 साल के बाद पोर्टल पर नहीं रखेंगे। ये जीएसटीएन पोर्टल की पॉलिसी है, लिखा हुआ एज पर जीएसटी पोर्टल डेटा पॉलिसी। भैया अगर ये आपकी डेटा पॉलिसी है तो किसी सेक्शन में तो लिखी होगी, किसी रूल्स में तो लिखी होगी। तुमने जुलाई और अगस्त का डेटा डिलीट कर दिया, अभी मेरा केस ट्रिब्यूनल में चलेगा, अभी मेरा केस अपील में पेंडिंग है, तो आप इस वाले डेटा को अभी डिलीट कैसे कर सकते हो? कल को अगर ऑफिसर मेरे से ये डेटा मांगेगा तो मैं वो डेटा कहां से दूंगा? आप मुझे इसका जवाब दे दो। तो भैया पोर्टल से हमें बहस नहीं करनी है, जो जुलाई और अगस्त का डेटा आपका चला गया है तो उसके लिए तो 2 मिनट का मौन धारण कर लेना, इनकी तो मृत्यु हो गई। लेकिन सितंबर का डेटा, लेकिन सितंबर का डेटा डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि सितंबर का डेटा 1 अक्टूबर से पहले पहले डिलीट हो जाएगा। अरे सर टैक्स ऑडिट करें या डेटा को संभाल के रखे? भैया ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये पोर्टल जो है आपका डेटा डिलीट कर देगा। ये कह रहा भैया आपका डेटा आर्चीव में चला जाएगा। जैसे ना व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन होता है कि भैया ये वाली जो चैट है ना आर्चीव में चली जाएगी, तो भैया वो तो हम देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये कह रहे आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। अब ये डेटा पता नहीं जीएसटी ऑफिसर देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। क्योंकि अगर जीएसटी ऑफिसर भी ये डेटा नहीं देख पाया तो अपील में कैसे बात बनेगी, ट्रिब्यूनल में कैसे बात बनेगी? तो भैया ये वाली चीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ये जो डेटा डिलीट हो रहा है। अच्छा मजे की बात समझो, इन्होंने क्या करा, जुलाई और अगस्त का डेटा डिलीट करके 24 सितंबर को ये एडवाइजरी जारी करी है। अरे भाई अगर डिलीट ही कर रहे थे तो पहले डिलीट करने से पहले एडवाइजरी दे देते, इन्हें बाद में एहसास हुआ कि भैया ये वाली एडवाइजरी दे देते, नहीं तो पता चले पोर्टल से हम डेटा डिलीट कर दे और फिर टैक्स पेयर हमारी जान को आ जाए। तो आप मुझे बताना ये सही है या गलत, गलत और सही बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अपने डेटा को सेव कर लेना, सितंबर का डेटा GSTR1 का GSTR3B का उसे डाउनलोड करके देख लेना। अच्छा यहाँ पर ये एडवाइजरी की शुरुआत कैसे करते हैं, यहाँ पर ये एडवाइजरी की शुरुआत में लिखते हैं कि हमने सेक्शन 39(11) लाए 1 अक्टूबर 2023 से, नोटिफिकेशन नंबर 28 से, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम 3 साल के बाद आपको कोई रिटर्न फाइल करने नहीं देंगे। तो इस 3 साल का इस 7 साल से क्या लिंक है? मेरे हिसाब से तो कोई लिंक नहीं है। तो भैया अभी पोर्टल जो है ना इस वाले सेक्शन को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं करता है, आप 3 साल पुरानी रिटर्न भी भर पाते हो। तो भैया यहां पर जो ये पोर्टल कर रहा है, जो आपका डेटा डिलीट कर रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। पोर्टल को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। जैसे इनकम टैक्स पोर्टल की कैपेसिटी है तो क्या जीएसटी पोर्टल को कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए या नहीं? क्योंकि यहां पर अभी मैटर पेंडिंग है, तो जब मैटर पेंडिंग होगा तो असेसिंग ऑफिसर असेसी से कुछ भी मांग सकता है, तो वो डेटा कहां से लाएगा? वो डेटा पोर्टल से ही तो डाउनलोड करेगा। तो मेरे हिसाब से बिना सेक्शन के, बिना रूल्स के इस तरीके का डेटा डिलीट करना सरासर गलत है। आप अपना व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और अपने क्लाइंटों का चेक कर लेना, जिनका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2017 से है उनका 2 महीने का डेटा डिलीट हो गया है, एक तीसरे महीने के डेटा को सेव कर लेना। और हाँ अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है कि भैया ये सेक्शन क्या है, रूल्स क्या है, तो हमारा एक नया बैच आ रहा है,
हमारा जो ये नया बैच आ रहा है किस चीज का है, ये हमारा पूरे जीएसटी के फुल कोर्स का है, जिसे हम बोलते हैं द्रोणाचार्य बैच। अभी हमारा अर्जुन बैच चल रहा था, तो अर्जुन बैच हमारा खत्म हो गया, तो अर्जुन बैच खत्म होने के बाद हमारा नया बैच है गुरु द्रोणाचार्य। ये सर कब से होगा? ये 8 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। इसके रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर दिए, तो आप हमारी टीम से बात करके इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर पूरे बैच की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मेरे अर्जुन बैच की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। थैंक यू।